के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सिखों की इंटीग्रिटी पर सवाल कोई नहीं उठा सकता। आज भी पाकिस्तान के साथ कोई कैजुअल्टी होती है तो सबसे पहले पंजाबी की लाश तिरंगे में आती है, उसके बारे में क्यों नहीं मोदी साहब बोलते कि सिख नेशनलिस्ट है, देशभक्त भी है। क्या हमें बदनाम करने के लिए ही रखा है? पहले मुसलमान को बदनाम कर दिया, फिर हमें कर दिया, और फिर किसी और को कर दिया, फिर क्रिश्चियन को तो कर दिया, तो माइनॉरिटी कहा जाएगी? यस, हिंदुस्तान सेक्युलर स्टेट है। रंधावा ने इस दौरान यह भी कहा कि हमने इसे अपना खून दिया है, हमने आजादी में सबसे ज्यादा खून दिया है, हम इसको इकट्ठा रखेंगे और राष्ट्रवाद की बात करेंगे। तो बड़ा बयान यहां पर सुखजिंदर सिंह रंधावा का निकल कर आया है। आज भी अगर कहीं भी कोई पाकिस्तान के साथ कोई कैजुअल्टी होती है चाइना, तो सबसे पहले पंजाबी की तिरंगे में लाश लिपट कर पंजाब में आती है। उसके बारे में क्यों नहीं मोदी साहब बोलते कि पंजाबी जहाँ सिख ये नेशनलिस्ट भी हैं, ये देशभक्त हैं? तो यार, हमें बदनाम करने के लिए रखा, पहले मुसलमानों को बदनाम कर दिया, फिर हमें कर दिया, फिर और किसी को कर दिया, क्रिश्चियंस को कर दिया। हमने आज़ादी में सबसे ज़्यादा काम किया है और इसको नहीं हम इकट्ठा रखेंगे और नेशनलिटी की बात करेंगे। और चलिए इस खबर पर हमारे सहयोगी शशिमोहन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशिमोहन, सुखजिंदर सिंह रंधावा का ये बड़ा बयान आया है, इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा है सिख नेशनलिस्ट हैं, देशभक्त हैं, बीजेपी हमेशा उन्हें निशाने पर लेती है। क्या कुछ जानकारी है इस पूरे बयान को लेकर? देखिए, पिछले दिनों खालिस्तान को लेकर के जो बयानों पर संग्राम हुआ है, जो विवाद हुआ है, कनाडा के साथ में जो तनाव हुआ है, उसके दौरान इस तरह के बयान आए कि कहा गया कि कई सिख हैं जो खालिस्तान को समर्थन कर रहे हैं और SFJ पर पाबंदी की मांग उठी। तो रंधावा ने यही कहा कि इस तरह की प्रैक्टिस को छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिखों की इंटीग्रिटी पर, सिखों की राष्ट्रवाद की भावना के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। रंधावा ने ये भी कहा कि वो तो मार्च से पहले SFJ पर पाबंदी लगाने की मांग कर चुके, तब बैन क्यों नहीं लगाया गया और तब इस बैन की मांग क्यों नहीं की गई? उन्होंने कहा क्या चुनाव थे इसलिए बीजेपी और दूसरी पार्टियां उस समय SFJ पर बैन लगाने की मांग नहीं कर रही थी? रंधावा ने ये कहा कि आज भी पंजाबी देश के प्रति समर्पित है, सिख वो कम्युनिटी है जिन्होंने देश के लिए खून दिया है और वो इस खून को खराब नहीं जाने दे सकते, बर्बाद नहीं जाने दे सकते। रंधावा ने कहा कि सिख पूरी तरह से देश के प्रति समर्पित है और देश की एकता के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा रेफरेंडम हुआ क्या कि खालिस्तान कौन चाहता है कौन नहीं चाहता? रंधावा ने कहा हो सकता है कुछ लोग इस तरह की मांग गाये बगाये उठाते हों, लेकिन सिख कम्युनिटी का बड़ा हिस्सा 99% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो भारत को एकजुट देखना चाहते हैं, एकजुट रखना चाहते हैं और राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। इसी कारण से रंधावा ने कहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते दौरों को लेकर के सवाल हुआ, तब रंधावा ने इस बात को लेकर कहा कि PM जब कहीं भी किसी राज्य में आते हैं तो उस राज्य की बात करते हैं, देश की बात नहीं करते। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से तुलना करते हुए कहा कि वाजपेयी जी को भी रंधावा ने सुना पंजाब में, दूसरे राज्यों में, तो वो देश को आगे बढ़ाने की बात करते थे और अब मौजूदा PM देश की बात किस तरीके से करते हैं, क्या उनका नज़रिया सिर्फ BJP को लेकर के है? राजस्थान में क्राइम की बात की जाती है, उन्होंने ये भी कहा कि MP में क्राइम की बात क्यों नहीं की जाती? क्या केवल इसलिए कि MP में BJP की सरकार है इसलिए वहाँ की चर्चा नहीं की जाती? तो इन सब बातों को लेकर के रंधावा ने अपनी बात रखी है, लेकिन उनका दर्द सिख कम्युनिटी को लेकर के था। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को अलग थलग नहीं किया जाना चाहिए, वो भी इस देश का हिस्सा है और इस देश में रहने का अधिकार उन्हें भी है। रंधावा दरअसल खालिस्तान को लेकर के, सिखों का नाम खालिस्तान के साथ जोड़े जाने को लेकर के ऐतराज जता रहे थे और उनका कहना था कि जब किसी सिख की सैनिक की शव, उसकी लाश तिरंगे में लिपट करके आती है, तब सिखों को राष्ट्रवादी क्यों नहीं कहा जाता, क्यों उस पर बात नहीं की जाती? ये सवाल उन्होंने उठाए। जी जी बिल्कुल शशि मोहन, तो आज खुलकर जो है प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपनी बात रखी, PM मोदी को आड़े हाथों लिया। आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर फिर से आपका